हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों हॉर्स का पहला क्वेश्चन। ओके, तो चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए पहले। तो आप भी क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। देखो सवाल में यहाँ पर है पहला क्वेश्चन हॉर्स का, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड्स आर इन द रेशियो 5:12:13, 5:12:13, ठीक है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 60 मीटर। तो पहले यहीं पर डाटा लिख देते हैं, 5:12:13:60, चलो याद रहेगा, कोई नहीं, 5:12:13:60, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, और साइड का जो है रेशियो हमें गिवन है, उसका साइड का रेशियो हमें 5:12:13, 5:12:13 दिया है, हमें पेरीमीटर भी गिवन कर दिया है 60 सेंटीमीटर। ओके चलो निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना, तो ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लिया जाए। तो यहाँ मैंने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये है हमारा ए, ये बी, ये सी, सारे जो साइड है वो 5:12:13 के रेशियो में है। रेशियो क्या है, 5, 12 और 13। तो ये मैंने आपको सिखाया था रेशियो के एक्स लेना है, 5:12 ले जाओ, ये 13 ले जाओ, 5:12:13, ठीक है। तो जितने साइड थे रेशियो को, जो रेशियो को मैंने एक्स मान लिया, हमें पेरीमीटर फिर गिवन है, तो बस हो गया, सवाल में कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर लिखो, लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल Which sides? Which sides are in the ratio? Are in the ratio? Which sides are in the ratio? कितना है? 5:12:13. Okay? तो let the sides of the ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी बी कितना, बी 5x, 12x, 13x। ओके, तो हमने यहाँ में यहाँ पर क्या मिला, ए बी कितना है, 5x है, बी सी कितना है बच्चों, 13x है, और हमारा ए सी कितना है बच्चों, 12x है। ओके अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पेरीमीटर गिवन है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना गिवन है बच्चों, हमें देख लेते हैं, आई थिंक 40 था, देख लेते हैं कितना था पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, कितना था, 60 था, 60 सेंटीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर कितना था, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, सब साइड को हम प्लस करेंगे, तो ये कितना साइड हमारा, कोई भी फिगर का बच्चों पेरीमीटर कैसे निकलता है, जितना जो फिगर का हम सब साइड को प्लस करने से पेरीमीटर आ जाएगा हमारा। तो ए बी कितना है देखो, तो पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए बी प्लस एक साइड हो गया, ए बी हो गया, फिर बी सी दूसरा साइड, फिर क्या ए सी तीसरा साइड, सब मिलाकर कितना होगा, 60 सेंटीमीटर की बने यहाँ पर हमें, सब मिलाकर हो गया आपका 60 सेंटीमीटर। तो ए बी का वैल्यू कितना है देखो, 5x, यहाँ पर लिखो 5x, प्लस बी सी कितना है, 13x, प्लस ए सी कितना है, 12x, इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। यहाँ ख़त्म। अच्छा ये कितना हुआ, 3, 2, 5, 5, 5, ये कितना हो गया, यहाँ पर तो हो गया बच्चों आपका कितना, 10 हो गया, ये कितना, 5, 10, कैरी 1, 1, 2, कैरी 1, 30, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, कितना हुआ, 30x, 30x इक्वल टू कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू कितना मिला, 60 सेंटीमीटर/30, 60 सेंटीमीटर/ कितना हो गया, 30। तो इसको कैंसिल करो, कितना हो गया, ये 2 हो गया बच्चों, x इक्वल टू कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, x का वैल्यू कितना निकला, 2 सेंटीमीटर। जैसे x का वैल्यू 2 सेंटीमीटर निकल गया, तो चलो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, सारे साइड हमारे निकल जाएंगे। हमें सवाल क्या पूछा है, हमें सवाल में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। देखो हो जाएगा, तो हमें साइड में एक्स मिलने से हमें क्या फ़ायदा होता है, ध्यान से देखो इस चीज़ को, एक्स मिलने से ये फ़ायदा होगा कि आप एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे, आपको सारे साइड यहाँ पर पता चल जाएगा। बट हमें यहाँ बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए एक मेथड है, बट हम जो आपके बुक में जो मेथड है उसी मेथड को फॉलो करेंगे जैसे हम निकालेंगे। तो पहले इसको वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, वैल्यू पुट करो,
तो यहाँ पे सारे साइड का वैल्यू यहाँ पर आपको निकल जाएगा। तो ए बी का साइड ए बी का मेजरमेंट कितना होगा बताओ, ए बी कितना था, देखो ए बी 5x था, तो चलो वैल्यू पुट करो, तो 5 × 2 हो गया, 5 × 2 सेंटीमीटर एक्स की जगह, तो हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ए बी यहाँ पर कितना मिला, 10 सेंटीमीटर, इसको बॉक्स में रखो। फिर दूसरा साइड बी सी देखो, बी सी कितना है बच्चा हमारा, 13x, तो वैल्यू यहाँ पर पुट करो, 13 × x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो ये हो गया आपका 26 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका बी सी। ओके, तो हमें यहाँ पर बी सी मिला। और एक बचा ए सी, ए सी कितना था, 12x था, तो यहाँ वैल्यू पुट करो, 12 × 2 सेंटीमीटर कितना हो गया, 24, 24 सेंटीमीटर, तो हमें यहाँ पर ए सी का वैल्यू मिला, ए सी कितना मिला, 24। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर हमें वैल्यू मिलते हैं बच्चों, उसको हम क्या कर लेंगे, पहले यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर 30 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 26 लिखेंगे। अब यहाँ पर 12x नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 24 लिखेंगे। अब यहाँ पर 5x नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर, 10 लिखेंगे, 10 सेंटीमीटर यूनिट रहने दो, अभी 10 हो गया, तो 24 या 26 ये हो गया 10। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं एरिया। तो इसका निकालने के लिए और एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करते आंसर निकल जाएगा, एक्चुअली वो हिरन्स फॉर्मूला है, क्लास 9th में आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हिरन्स फॉर्मूला यहाँ पर पुट नहीं करना है आपको, और एक कुछ जो आप सीखे हो वही पुट करना है। यहाँ तक आपने लिख लिया, इसको मैं रब कर दूँ, जल्दी से कॉपी कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और कॉपी कर लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल के सारे साइड हमारे निकल चुके हैं, अब देख सकते हो मेरा ड्रेस वे सब चेंज हो गया, क्योंकि वो जो शूट कर रहा था वीडियो पिछला, अभी जो अब दो एक सेकंड पहले जब देख रहे थे, तो एक्चुअली लाइन पावर कट हो गया था, लाइन कट गया था, तो इसीलिए मैं उसके बाद वाला दिन में शूट कर रहा हूँ ये। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने बच्चों यहाँ तक ख़त्म कर लिया था, यहाँ तक तो आप समझ चुके हो कि कैसे मैंने किया था इसको। तो हमारा यहाँ पर ए बी सी हमने ट्रायंगल लिया था, इसके सारे हमने निकाल लिए थे। ओके, ये ए बी सी है, तो हमारे ट्रायंगल के सारे साइड निकल चुके थे, ये 10, ये 26 और वो 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आई थिंक सेंटीमीटर ही था, लेट मी चेक, हेलो बच्चों, तो जैसा अभी आप देख रहे हो मेरा ड्रेस चेंज हो चुका है, क्योंकि जो शूट कर रहा था अभी, जो आपको समझाया था ये करके, उस वक्त पावर कट हो गया था, इसीलिए मैं और एक बार शूट कर रहा हूँ। ठीक है, जो बाकी का जो हम किए थे कल, जो कल जो हुआ था और आज मैं कर रहा हूँ, एक्चुअली वो कल का वीडियो था, मैं दोनों को मर्ज कर दिया हूँ। ओके, तो देखो हमने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है आपको। अच्छा, ये हमारा सब सेंटीमीटर में था, 26 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं था। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या आपको दिक्कत क्या होगा, कि ये जो ट्रायंगल हमने जो बनाया है, एक्चुअली ये ट्रायंगल का जो फिगर है वो गलत है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये जितने भी साइड यहाँ पर आपको गिवन है, यहाँ पर कितने साइड गिवन है, 10 सेंटीमीटर एक है, दूसरा है आपका 24 सेंटीमीटर और तीसरा है आपका 26 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा एक बात आप नोटिस करो बच्चों, ये जो तीनों जो साइड का मेजरमेंट है, 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर, ये तीनों साइड का जो मेजरमेंट है, ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। पाइथागोरन ट्रिपलेट मतलब क्या, ये तीनों साइड पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये तीनों साइड पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये तीनों साइड किसके हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के होंगे। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो, अब ये वाला जो फिगर है, ये फिगर ऐसे नहीं बनेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बनेगा। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल ही हम बनाएंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में कौन किसका कितना होगा वो फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे, कौन सा साइड हाइपोटेन्यूज होगा, किसका मेजरमेंट हम परपेंडिकुलर देंगे, किस कौन से साइड का मेजरमेंट हम, मतलब जो भी यहाँ पर मेजरमेंट तीनों लिखा हुआ है, मतलब कैसे हमें पता चला कि हाँ 10 ही आपका परपेंडिकुलर होगा, कि बेस होगा, कि आपका हाइपोटेन्यूज होगा, तो हम वो डिसाइड करेंगे। कैसे डिसाइड करेंगे ना, ये तीनों जो हमारे यहाँ पर साइड गिवन है इसे हम डिसाइड करेंगे। कैसे, देखो अगर आप 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो और 24 सेंटीमीटर का अगर स्क्वायर कर दो, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये इसके साथ इक्वल होगा, 26 के स्क्वायर के साथ इक्वल होगा। ठीक है, मुझे पता है आपको यही समझ में आया, और एक बार समझाता हूँ। देखो अगर मैं 10 का स्क्वायर निकाल दूँ, देखो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकाल दूँ, तो बताओ इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगर मैं 24 सेंटीमीटर को स्क्वायर कर दूँ,
ठीक है, इसका स्क्वायर कर दूँ तो कितना हो जाएगा बच्चों, 24 का होता है 576, ओके। और 26 सेंटीमीटर का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ, क्योंकि ये तीनों साइड हमारे पास अवेलेबल है, तो 26 का स्क्वायर होगा बच्चों 676 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो अब इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को ऐड करो, किसको किसको ऐड करना है, 100 को और 576 को। चलो ऐड करो, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर से यहाँ पर नीचे लिखो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, इसका जो इन दोनों का जो वैल्यू निकला इसको मैं ऐड किया, तो ऐड करने से कितना आता है देखो, 676 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, जो कि किसके साथ इक्वल है आपका, थर्ड इसके साथ इक्वल है, 26 सेंटीमीटर के स्क्वायर के साथ इक्वल है। तो क्या बच्चों हम यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकते क्या कि 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये इक्वल है किसके साथ, 26 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ ये इक्वल है। ये चीज़ आपको समझना है, मैं आपको यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ आप समझो, ये चीज़ में जो जो बॉक्स में रखा हूँ उसको आप ध्यान से देखो और समझो कि अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 24 सेंटीमीटर का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर इन दोनों को प्लस कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो कितना आता है, 676 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि 26 के सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ इक्वल है। यहाँ पर ब्रैकेट मैंने नहीं दिया है, यहाँ ब्रैकेट रहेगा, ठीक है, जो कि 26 सेंटीमीटर का स्क्वायर के साथ इक्वल। देखो 26 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना है, 676 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इन दोनों के सम के साथ इक्वल है कि नहीं, इसको ये वाला 676, ओके। तो इसको हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो चलो अब नेमिंग बताओ मुझे, नेमिंग 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का नेमिंग क्या था, क्या था देखो वहाँ पर ए बी, तो यहाँ पर ए बी रखो, इसको ए बी का स्क्वायर हम लिखेंगे, अच्छा यहाँ पर प्लस रखो, प्लस, ओके। फिर क्या था, 24 किसका, देखो नाम क्या है 24 का, ए सी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 26 सेंटीमीटर किसका, बी सी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बी सी का स्क्वायर, ओके। तो ये रहा हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। तो हमें पता है बच्चों ए बी क्या होना चाहिए और ए सी क्या होना चाहिए और बी सी क्या होना चाहिए, तो हमें क्या फॉर्मूला पता है, ये तो बी सी हमारा हाइपोटन्यूज बन गया, क्योंकि यही फॉर्मूला है हमारा कि हाइपोटन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है किसके साथ, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब चाहो तो इसको परपेंडिकुलर मानो या फिर इसको मानो, ठीक है, बट ये तो बीसी हमें, बीसी आपका हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, तो हमें यहाँ पता चलता है कि बीसी हमारा हाइपोटेन्यूज है, ओके। और ए बी और ए सी में से किसको भी आप बेस मान लो, तो मैं इस ए बी को बेस मान लेता हूँ, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ बेस का स्क्वायर प्लस ए सी को बच्चों मैं लिख सकता हूँ क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, मैं पर पी फॉर यहाँ पर पी ई आर लिख के छोड़ दिया हूँ, अब समझ जाना यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों हमें क्या पता चलता है, ए बी हमारा क्या है, बेस है, ठीक है, और ए सी, ए सी जो है वह हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हाइट है हमारा, और जो बी सी है बच्चों वह हमारा हाइपोटेन्यूज है, बी सी हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है, इससे हमें यह पता चलता है, ओके, ठीक है, अच्छा। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, ये आपको मैंने समझा दिया कि ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो हमें ये मिला, तो इसके बेसिस पे हम राइट एंगल ट्रायंगल अब ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रायंगल का फिगर हमने बनाया है वो गलत है, ठीक है, इसको अब करेक्ट करना है यहाँ पर आपको, तो इसको मैं यहाँ पर रब कर लेता हूँ, आई होप अब ये समझ चुके हो कॉन्सेप्ट सारे, इसको मैं रब कर लेता हूँ और फिगर और एक बार ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ ऐसे, तो इसके बेसिस पे जो मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा है उसके बेसिस पे हम फिगर बनाते हैं, तो ये रहा मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, अच्छा हमें ए बी क्या रखना है, बेस रखना है, चलो ए बी यहाँ ऐसे बेस रखो, ए बी को मैंने बेस रखा, फिर क्या बोला, ए सी को परपेंडिकुलर रखो, इसका मतलब ये रहा ए सी, ए सी हमारा परपेंडिकुलर हो गया और बी सी हमारा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, ठीक है, तो ये रहा हमारा हाइपोटेन्यूज, ठीक है, समझ में आ रहा सबको, ये रहा बच्चों बेस हमारा और ये है हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर ये रहेगा राइट एंगल एट ए, ओके। तो यहाँ हमें सब पता चल गया, तो हमें एरिया निकालना था, तो अब देखो हमें उस वक्त हाइट नहीं मिल रहा था ना, देखो अब हाइट मिल जाएगा, ये रहा हमारा बेस, ये रहा हमारा हाइट, ओके। तो हमें एरिया पूछा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या फॉर्मूला, हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ बेस
इंटू हाइट। देखो बच्चों, हम जो पहला फिगर कर रहे थे उसमें हाइट हमको पता नहीं चल रहा था, जो हम ट्रायंगल ड्रॉ किए थे पहला जो फिगर आप किए थे सिर्फ बेस पता चल रहा था, हाइट हमें पता नहीं चल रहा था। पर जैसे ही हमें पता चला कि वो जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें हाइट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट जो पहला फिगर हम ड्रॉ किए थे तो उसमें बेस हमें पता चल रहा था बट हमें हाइट पता नहीं चल रहा था। ओके, तो इसीलिए एक्चुअल फिगर जो है वो एक्चुअली उस तरह के जो क्वेश्चन है बच्चों वो बन सकते हैं। ठीक है, जो आप फिगर बनाए हो वो आपके बन सकते हैं, बट उसके लिए आपको मैंने आपको बताया था क्लास 9 का हीरोन्स फॉर्मूला वो अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो सवाल बन सकता था। ऐसा नहीं कि वो जो फिगर है वो गलत है, वो फिगर ठीक है बट आपके कोर्स में नहीं है, वो क्लास 7 में आपका हीरोन्स फॉर्मूला नहीं है, वो एक्चुअली आप पढ़े हो क्लास 9th में। जब कोई ट्रायंगल का तीन साइड गिवन होता है तो आराम से आप हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करके वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमें तो हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, हमें आपका जो बेसिक जो फॉर्मूला है जो हाफ बेस इनटू हाइट ट्रायंगल का वही यूज़ करना है हमें। तो वो यूज़ करने के लिए जो हम फिगर बनाए थे वो फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ नहीं हो रहा था। क्यों यूज़ नहीं हो रहा था? क्योंकि हमें सिर्फ उस फिगर से बेस का पता चल रहा था, हाइट का पता नहीं चल रहा था। पर जैसे ही हमने साइड को देखा तो हमें यह लगा ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल क्यों ना इसको हम बना दें। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने से क्या होता है, आपको क्या फ़ायदा होगा? आपको बेस तो मिला, आपको हाइट भी मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? आपको बेस तो मिला, हाइट भी मिल जाएगा। ओके, तो हमारे यहाँ पर सारे हो चुके हैं, अब जो मेजरमेंट है उसको हमें लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हमारे यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, हमें बेस पता चल गया, हाइपोटेन्यूज पता चल गया और परपेंडिकुलर पता चल गया। अब हम वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है, तो बच्चों बेस का वैल्यू कितना था आपको याद ही होगा, कितना था? 10 सेंटीमीटर था। इसका कितना था बच्चों? 24 सेंटीमीटर था। और इसका था बच्चों 26 सेंटीमीटर था। यही था हमारा तीनों। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया 10, 24, 26। अब चलो नेमिंग यहाँ पर दे दो, सारे नेमिंग देते हैं यहाँ पर, नेमिंग तो दे दिया हमने, वैल्यू नहीं लिखा हमने, हम वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। जो बेस था बच्चों आपको पता चल गया ये तो बेस है, इसको मैं रब कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लो 10 सेंटीमीटर। ओके, फिर AC कितना था हमारा मेजरमेंट? AC देखो कितना है, 24 सेंटीमीटर, यहाँ लिखो 24 सेंटीमीटर। ओके, और जो हाइपोटेन्यूज था वो था बच्चों कितना? 26 सेंटीमीटर। तो देखो हमें यहाँ पर बेस मिला 10 और हाइट मिल गया 24। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला जो मैं आपको बताया था आपको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बेस क्या है, बेस हमें क्या गिवन है? AB, यहाँ पर लिखो AB इंटू हाइट की जगह हम लिखेंगे AC। ओके, तो ये रहा आपका हाफ। AB कितना वैल्यू है? 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, ये काटो, ये कितना हो गया? 5। ठीक है, 24 इंटू 5 होता है बच्चों 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल चुका है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये रहा हमारा आंसर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आपको हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करने की जरूरत नहीं है, आप क्लास 9th में जब जाओगे तो हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करके भी मैं आपको बता दूँगा कैसे वो करना है, उस फिगर में भी आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, बट आप अभी क्लास 7 में पढ़ रहे हो तो क्लास 9 के थ्योरम क्यों जानना आपको है? ठीक है, जानने की जरूरत पड़ेगी तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, आप जानना चाहते हो बना दूंगा वीडियो, बट क्लास 9 का कोई जरूरत नहीं। हीरोन्स फॉर्मूला मैं आपको फॉर्मूला सिर्फ दिखा देता हूँ कैसे वो निकलता है, बता देता हूँ। देखो, पहले तो आपको एस पेरीमीटर निकालना है। ABC होता है बच्चों हाइट ऑफ द ट्रायंगल होगा, हाइट बोल रहा हूँ, साइड ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड बाय 2। कर तो दूंगा बट आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, कर देता हूँ, ये समझ में आ गया, इसको आप कॉपी कर लो, इसको मैं रब करने वाला हूँ। देखो, उससे भी आंसर निकलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखो, देख लो, क्लास 7 में आपको क्लास 9th का पढ़ाई बता दे रहा हूँ, चिंता मत करो। क्लास 9 बच्चे भी हैं मेरे, ऑफलाइन है, बट मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाता हूँ बच्चों को। क्लास 9 के मेरे बच्चे हैं बट ऑफलाइन पढ़ते हैं वो, 9th के भी हैं, 10th के भी हैं। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, देखो यही फिगर में बनेगा, तो आप सोचोगे क्यों ना हम ये वाला ही यूज़ करके बनाएं, क्यों ना। ओके, अब देखो ये कितना लंबा हो जाएगा, मैं आपको देखूँगा आंसर सेम ही निकलेगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर ही निकलेगा। एस क्या होता है, देखो आप समझ सकते हो तो वेरी गुड, अच्छी बात है। एस जो होता है ना बच्चों वो होता है सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है, एस को बोला जाता है सेमी पेरीमीटर। ये जो कैपिटल एस है ना, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं इसको? सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो एक्चुअली हाँ 2S को बोला जाता है, 2S को, यहाँ पर 2S क्या है आपका? सेमी पेरीमीटर है। तो S का जो वैल्यू निकलेगा, तो 2S इक्वल टू कितना होता है? 2S जो होता है बच्चों वो होता है आपका
2s होता है, s होता है आपका, s होता है आपका सेमी पेरीमीटर। जैसे मैंने 2s यहाँ, s होता है आपका सेमी पेरीमीटर, और जैसे मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा तो ये बन जाएगा सिर्फ पेरीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर पेरीमीटर कैसे निकलता है मुझे बताओ, कोई भी चीज़ का हम पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, 2s है बच्चों आपका पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, ABC। अच्छा, ये अब ABC क्या है, ABC बच्चों ये तीन साइड हैं ट्रायंगल के, ट्रायंगल के ये तीन साइड है, ABC इज द थ्री साइड ऑफ द ट्रायंगल। सिर्फ सुन लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ABC इज द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर S का जो वैल्यू निकलेगा A+B+C/2, ये हो गया आपका पेरीमीटर। S का वैल्यू कैसे निकलेगा, A+B+C/2। तो ये रहा, आप इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। ठीक है, तो S का वैल्यू निकालो कैसे निकलेगा, A माना है हमने 24 को, तो यहाँ लिखो 24 प्लस B माना है 26 को, फिर यहाँ पे लिख दो 10 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करो कितना हो गया, 6 4 10। ठीक है, ये 60 हो गया, 60/2, तो ये हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर आपका S का वैल्यू निकला, S का वैल्यू कितना निकला, 30 सेंटीमीटर। जैसे ही आपको S मिलता है तो एक एरिया निकालने का एक फॉर्मूला है, यहाँ तक समझ में आ गया, आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी कर लो, S हमारा निकला कितना, 30। S हमारा निकला 30। अब देखो एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली इसको पुट करके आंसर आपका निकल जाएगा, मैं बता देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का आप एक ही फॉर्मूला आपने देखा होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, बट और एक फॉर्मूला है जो आप क्लास 9th में आप जाओगे तो आपको याद आएगा हाँ मैं क्या कराया था। फॉर्मूला है S ब्रैकेट के अंदर S-A, S-B, फिर S-C, इसका रूट ओवर। ठीक है, S का वैल्यू कितना है, 30 हमें पता है, ये टोटल रूट ओवर यहाँ पर दो, S का वैल्यू यहाँ पर 30 लिखो, फिर यहाँ पर S की जगह क्या लिखोगे, यहाँ पर 30 फॉर्मूला क्या, S-A 30 - 1 की जगह क्या है, देखो 24 है तो यहाँ पर 24 लिखो, फिर ब्रैकेट दो, फिर यहाँ पर 30 लिखो, माइनस बी कितना है 26, फिर यहाँ पर लिखो S कितना है 30 - C कितना है 10। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है, जिसको समझ में आ रहा है वो देखे, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो मत देखे। तो ये ब्रैकेट के अंदर कितना होगा बच्चों, 6 हो गया, फिर ये ब्रैकेट के अंदर कितना हो गया, 4 हो गया, फिर ये कितना हो गया, 10 हो गया, सॉरी 30 में से 10 गया 20 हो गया ये। ठीक है, फिर इसके यहाँ पर स्क्वायर रूट दो, फिर ये कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो 30 × 6 × 4 × 20। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आएगा 14400, इतना ही आएगा। देख लो, 8 × 6 = 18 कितना होता है बच्चों, 144 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 120, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 120 cm². ठीक है, यह हमारा निकल गया एरिया, तो ये देखो सेम ही निकला, 120 cm² ही निकलेगा आंसर। ओके, ये इसको बोलते हैं बच्चों हीरोन्स फार्मूला, ये क्लास 9th का प्रॉब्लम है, हीरोन्स फार्मूला इसको बोलते हैं, हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, ये आपका क्लास 9th का टॉपिक है, क्लास 9th में जब आपको पढ़ाऊंगा, अगले साल पढ़ोगे, इस साल तो सिर्फ क्लास 8 चलेगा हमारा, अगले साल जब 9th में जाओगे तो मैं बताऊंगा, इसको बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो पहले S निकालते हैं, S कैसे निकलता है, ये तीनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दो, S निकल जाएगा। ठीक है, तो पहले हमें S निकालना है, S कैसे निकलता है, A+B+C/2, ये है S का फॉर्मूला, S निकालने का फॉर्मूला। A कुछ नहीं, आप समझ सकते हो, ईजी है, तो क्या हार्ड है, ABC तीनों सेट किसको मानोगे, किसी को मान सकते हो, कोई भी पकड़ सकते हो, प्लस तो करना है ना, किसी को आप मान करो। ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर देना, आपका S का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे S निकलता है तो ये फॉर्मूला याद रखो, एरिया का, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखो, इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ चुके हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर हॉट्स का पहला क्वेश्चन हमारा खत्म होता है यहीं पर, और दूसरा नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे बच्चे रेडी कर रहना, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, 2 और 3 हॉट्स के जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए चलो बाय।